चलो जी बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। आपके फाउंडेशन लेवल के सिलेबस में, पार्टनरशिप अकाउंट्स में, ये चैप्टर एक बड़ी वैल्यू रखता है, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये मटेरियल इशू कर रखा है और मेरी ही बुक का ये टॉपिक मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है, जिसमें हेडर मैंने रखा हुआ है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। आप बेटा इससे पहले मेरे साथ पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को, आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर को, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैं आप सब लोगों को बता दूं बेटे, अगर आपने मेरे साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल, आपने मेरे साथ एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो आपके लिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारी टर्म्स मैं यूज करूंगा जिसे मैंने प्रीवियस चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर में यूज किया था। तो एज यूजुअल मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक लेवल पर नोट करवाऊंगा। इसमें आने वाले पॉइंट्स को, यूज होने वाले पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली दो क्लास में इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन हम लोग निकाल देंगे और फिर मैं वन टू वन हर एक पॉइंट का प्रैक्टिस मैं आपके साथ करवा के चलूंगा। तो भाई, आज की जो मेरी ये क्लास है, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटे, फाउंडेशन लेवल पर इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा वैल्यू आपके सिलेबस में रहता है। इंस्टीट्यूट की तरफ से इसमें से आपका काफी मार्क्स का जो पेपर है वो इस चैप्टर में से निकल कर आ सकता है। तो चलिए फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा, आप एक काम करो, आप सबसे पहले अपनी नोटबुक ओपन करो और नोटबुक में हम लोग लिखने वाले हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर एक पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या एक पार्टनर की डेथ होगी तो किस तरह की अकाउंटिंग हम लोग करेंगे। मैं इस चैप्टर को टू सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा। पहला सेगमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का टॉपिक जब हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए। सही बात है? तो चलिए फिर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो एक काम करो, आप आ जाओ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें मैं क्या करूंगा, आप एक क्वेश्चन सबसे पहले बनाओ, एक क्वेश्चन आप सबसे पहले बनाओ। क्या क्वेश्चन बनाना है आप लिखो, आप लिखो व्हाट आर द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स मेड, व्हाट आर द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स मेड, व्हाट आर द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, व्हाट आर द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, ये सब हमें देखना है। तो आप इसका क्या रिप्लाई लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका क्या रिप्लाई लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ आप एक काम करते हैं। सबसे पहली बात आप लिखिएगा, नंबर वन, क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। नंबर वन लिखेगा अकाउंटिंग, फाइंड आउट, ऐसा लिखो, फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा
आपको गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. नंबर टू लिखिएगा अकाउंटिंग. नंबर टू आप लिखिएगा अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ये सब बातें आपको बुक में भी मिलेंगी, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से बेटे, अगर मैं नोटबुक बनवाकर चलता हूं तो ये बात आप मानकर चलेगा आपकी नोटबुक में हर एक पॉइंट कवर होने वाला है. अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. नंबर थर्ड, अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. नंबर थर्ड लिखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स और लायबिलिटीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना होगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नंबर फोर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नंबर फोर लिखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स. आप लोगों के रिप्लाई मेरे पास आते रहने चाहिए कि आपको क्या, आपको क्लास में कोई डाउट है क्या, क्या आप मेरे साथ नोट कर रहे हैं. अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है, आपके रिप्लाई मेरे पास आते रहने चाहिए. जब तक आपके रिप्लाई नहीं आएंगे, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा. चलिए आप मेरे को बताते चलिए, क्या आपको इतनी बात में कोई डाउट है क्या. चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. Accumulated profits and losses. Accounting treatment for reserves. Accumulated profits and losses. Number 5. आपको accounting treatment करना पड़ेगा joint life policy के लिए. Accounting treatment for joint life policy. आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है. आपने बेटा जब 10+2 पास करके आप आए फाउंडेशन लेवल पर, तो 10+2 लेवल पर आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सिलेबस में पॉइंट जो है, कोई पॉइंट जो है वो यहाँ कवर नहीं होता है. बट आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो फाउंडेशन लेवल का सिलेबस है, इसमें बेटा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को आपको कवर करके चलना है. मैं आपको बताऊंगा इसकी अकाउंटिंग क्या होने वाली है. और लास्ट में एक स्टेप हम लोग बनाएंगे. लिखेगा, मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए. लिखेगा accounting treatment for retiring partners loan account and remaining partners capital account.
रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट और रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये हमें इसमें बनाकर चलना पड़ेगा कि जो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा उसका लोन अकाउंट बनाना है या उसका फाइनल सेटलमेंट करना है, वो सब बातें हम लोग देखेंगे। प्लस जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट हमें बनाकर चलने पड़ेंगे। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें लगा करके चलने हैं बेटा, ये सारे स्टेप्स आपको बना करके चलने पड़ेंगे। अगर आपने लेना है रिटायरमेंट, अगर एक पार्टनर का होगा रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट पर हमारी अकाउंट्स बुक्स में आपको जो मैंने ये 6 स्टेप्स बता दिए, ये 6 स्टेप्स अगर आपने पढ़े और इन सबको असेंबल करके आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और इन 6 स्टेप्स के बिहाफ पर आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो होने वाला है असेंबल। सही बात है। तो भाई वो आपके 6 स्टेप्स में कैसे अप्लाई मैं करूंगा ये देखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके सारे स्टेप्स। अब मैं आपको फर्स्ट 2 क्लास में ये सारे स्टेप्स पहले एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी बुक से करते रहेंगे। सही बात है ना। तो चलिए फिर फर्स्ट नंबर पर मेरे पास जो टॉपिक बनेगा उसका नाम है फाइंड आउट द न्यू रेशियो, फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है और हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आप अगर बेटा चेक करें तो मैं आपको बता दूं क्या होगा। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं बेटा और तीनों मान लो एक स्टैंडर्ड रेशियो में, लिख देता हूं 3:2:1। मान लेते हैं एक बार के लिए इस रेशियो में पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं 3:2:1 में। अब हमने ये अज्यूम किया कि जो सी पार्टनर है इसको मैं फर्म से रिटायरमेंट दे रहा हूं, सी पार्टनर को फर्म से रिटायरमेंट दे रहा हूं। तो आप खुद बताएं सी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने के बाद ए और बी 2 पार्टनर बच जाएंगे। तो ए और बी का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू रेशियो, ए और बी का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू रेशियो कि भाई ए और बी का नया रेशियो क्या होगा। अब अगर आपको ए और बी का न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो भाई सबसे पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर सी हमारी फर्म छोड़ के जाएगा तो सी का शेयर कौन गेन करने वाला है, सी का शेयर मिलेगा किसको, क्योंकि सी के जाने से उसका शेयर ए और बी को मिलेगा, या तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा या दोनों को मिलेगा, जो उनका एग्रीड रेशियो होगा उसमें मिलेगा। तो भाई ए और बी के जो ओल्ड रेशियो थे, सी के जाने से सी का शेयर भी उनको मिल गया। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या आएगा कि ए और बी का शेयर ओल्ड के कंपैरिजन में न्यू ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी वाला शेयर भी तो ए और बी को मिल गया, क्योंकि जो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा आज के बाद उसका शेयर बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो भाई अगर मैं आपको बता दूं, ये देखिए ए और बी और सी 3 पार्टनर हैं, अगर मैं सी पार्टनर को रिटायरमेंट दे दूं तो सी पार्टनर का जो शेयर है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मैं एक बात लिख रहा हूं, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर, आप नोट करते चलो, टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन टेक ओवर कर लेगा बेटा, रिमेनिंग पार्टनर्स टेक ओवर करेंगे, टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। तो अगर ऐसा होगा तो उस रेशियो को, जिस रेशियो में वो टेक ओवर करेंगे उस रेशियो को बोला जाएगा बेटे गेनिंग रेशियो।
उस रेशो को क्या बोला जाएगा? गेनिंग रेशो। जिस रेशो में आपका शेयर एक्वायर करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशो। तो भाई अगर मैं बात करूं न्यू रेशो की, तो आपको न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करना होगा? न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो में अगर आप गेनिंग रेशो को प्लस कर दें, ओल्ड रेशो में अगर आप गेनिंग रेशो को प्लस कर दें, अगर ओल्ड रेशो में आप गेनिंग को प्लस कर दें, तो बेटे आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में अगर आप गेनिंग रेशो को प्लस कर दें, तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा न्यू रेशो। ओल्ड में अगर आप प्लस कर दें गेनिंग को, तो आ जाएगा न्यू रेशो। तो चलिए, मेरे को रिप्लाई आते रहने चाहिए बेटे आप लोगों के। आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है, रिप्लाई आते रहने चाहिए। तो भाई अगर आपको निकालना हो न्यू रेशो, तो ओल्ड में गेनिंग प्लस कर लो, और यहीं कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो गेनिंग रेशो, आपको कैलकुलेट करना हो गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है बेटे न्यू रेशो। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये आपका फॉर्मूला रहेगा गेनिंग रेशो को लेकर। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं गेनिंग रेशो। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? चलो, इतना अगर बेटे आपको है क्लियर, तो मैं आपको बता दूं इसके बिहाफ पर, बेटे अगर आपको मैं बता दूं इसके बिहाफ पर, मैं कुछ केस स्टडीज आपको नोट करवा रहा हूं। आप नोट कर लो कुछ केस स्टडीज, मैं आपको कुछ केस स्टडीज नोट करवा देता हूं। अगर आपने इन केस स्टडीज को पढ़ लिया, तो आपको रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। केस नंबर वन क्या हो सकता है? आप लिखो, पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं रेशियो निकालने को लेकर। पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं रेशियो निकालने को लेकर लिखिएगा। मान लेते हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, और मैंने बोला तीनों का रेशो 3:2:1 है। मान लेते हैं तीनों का रेशो 3:2:1 है। अब मैं ये कह दूं कि सी ने रिटायरमेंट लिया, सी रिटायर्स, मैं ये कह देता हूं कि भाई सी ने रिटायरमेंट लिया। अगर बेटे सी ने रिटायरमेंट लिया और कुछ भी गिवन नहीं है, आपको बस ये बोला गया फाइंड आउट द न्यू रेशो, बस फाइंड आउट द न्यू रेशो, आपको इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, आपको ये बोला गया फाइंड आउट द न्यू रेशो। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर सी चला गया तो ए और बी का जो न्यू रेशो है ये 3:2 हो जाएगा। मतलब सी के जाने के बाद ए और बी का जो ओल्ड रेशो है उसी रेशो में तो वो गेन करेंगे, और ओल्ड में गेनिंग भी अगर सेम है, अब प्लस कर दोगे तो बेटा आपका न्यू रेशो यही आ जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, इस वाली सिचुएशन में आपका गेनिंग रेशो भी यही होगा, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन ही नहीं है कि एक पार्टनर के जाने पर उसका शेयर कौन एक्वायर करेगा, किस रेशो में एक्वायर करेगा। तो हमने अंडरस्टूड ये मान लिया कि सी अगर लेगा रिटायरमेंट, तो सी के रिटायरमेंट पर ए और बी उसका शेयर अपने एग्जिस्टिंग रेशो में टेक ओवर करेंगे। तो ए और बी का जो एग्जिस्टिंग रेशो है वही तो बन जाएगा उनका गेनिंग रेशो, और वही बन जाएगा उनका न्यू रेशो। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई बी ने रिटायरमेंट लिया, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई बी ने रिटायरमेंट लिया, अगर बी रिटायरमेंट ले लेता है, अगर बी रिटायरमेंट ले लेता है, तो बचे कौन? ए और सी। अब ए और सी का रेशो ऑलरेडी क्या था? 3:1, तो वही उनका बन जाएगा न्यू रेशो, और वही उनका बन जाएगा गेनिंग रेशो। यही तो उनका बन जाएगा न्यू रेशो, और यही उनका बन जाएगा गेनिंग रेशो। अगर बी ने रिटायरमेंट लिया, तो बी की रिटायरमेंट पर
ए और सी का जो रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो और वही उनका गेनिंग। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोल दूं ए रिटायरमेंट ले, ए रिटायर्स, अगर इस क्वेश्चन में ए ने रिटायरमेंट लिया तो भाई बी और सी इनका जो रेशियो था 2:1 था, तो बी और सी का जो 2:1 होगा वही तो बन जाएगा न्यू रेशियो और वही बन जाएगा गेनिंग रेशियो, वही तो बन जाएगा न्यू रेशियो और वही बन जाएगा गेनिंग रेशियो। अब बताओ मेरे को एक बात में कोई डाउट है तो, सही बात है ना। तो इस तरह से एबीसी इन तीनों के रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसके रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा, ये सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर केस है। आप मेरे को बताते चलो, आपको समझ में आ रहा है क्या? आप मेरे को ये बताओ, ये वाला केस सबको क्लियर है क्या? सही बात है। चलो केस नंबर 1 के बाद मैं बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पर चीजें क्लियर करने वाला हूं। केस नंबर 2 लिखते हैं। केस नंबर 2 में लिखा ए और बी और सी तीन पार्टनर है बेटा, मान लेते हैं इनका रेशियो 3:2:1 है। हमें यह बोला गया कि एबीसी तीन पार्टनर हैं 3:2:1 में। मैं ये बोल दूं सी रिटायर, मैं ये बोल दूं सी रिटायर्स, मैंने बोला सी ने रिटायरमेंट लिया, मैंने बोला सी रिटायर्स एंड ही शेयर टेकन बाय ए एंड बी इक्वली, टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। सी ने रिटायरमेंट लिया और सी का शेयर ए और बी ने इक्वली टेक ओवर कर लिया, तो मतलब ए और बी ने उसको इक्वल रेशियो में गेन कर लिया। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ जरा सब लोग, सी का शेयर अगर ए और बी इक्वली एक्वायर कर लें तो मैं यहां गेनिंग वैल्यू निकाल लूंगा, यहां मैं गेनिंग वैल्यू निकाल सकता हूं कि भाई ए ने कितना गेन किया और बी ने कितना गेन किया, ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अगर आप बोले ए इज गेन, अगर आप बोले ए इज गेन, ए का गेन बताओ, तो भाई ए का जो गेन है सी के शेयर का हाफ, और अगर मैं बोलूं बी इज गेन, बी का गेन कितना है, तो भाई बी का जो गेन है वो ये भी हाफ, यानी ए का हो गया गेन 1/12, बी का हो गया गेन 1/12। ए और बी दोनों के गेन हमारे पास निकल कर आ गए। अब ए और बी दोनों के गेन अगर आपके पास आ गए और फिर आपको बोला जाए कि भाई न्यू रेशियो बताओ, फिर आपको बोला जाए न्यू रेशियो बताओ, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ए और बी, ए का ओल्ड है 3/6, बी का ओल्ड है 2/6, प्लस ए ने गेन कर लिया 1/12, बी ने गेन कर लिया 1/12। अगर आप एलसीएम लोगे 12 तो ये आएगा 6+1, इसका आ जाएगा 7/12, और दूसरे पार्टनर का कैलकुलेट करोगे 4+1, इसका आएगा बेटे 5/12। ये 7/12 और 5/12, ये अगर मैं हाईलाइट जो कर रहा हूं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ए और बी के शेयर जो है न्यू 7/12 और 5/12 हो जाएंगे, इसका मतलब 7:5 ये होगा बेटे इनका न्यू रेशियो, 7:5 ये होगा बेटे इनका न्यू रेशियो। बढ़िया लेवल पर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक वो बात जो आपके इस टॉपिक को कवर करेगी सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना था गेनिंग रेशियो, वो मैंने निकाल दिया। ओल्ड रेशियो में अगर आप गेनिंग प्लस करेंगे तो कैलकुलेट होगा न्यू रेशियो, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अगर बेटे हम लोग बात करें केस नंबर 2 के बाद केस नंबर 3, चलो केस नंबर 3 मैं आपके साथ हर एक वो बात जो आपके टॉपिक को कवर करेगी मैं आपको बताने वाला हूं। केस नंबर 3 लिखो, मान लेते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो 3:2:1 है, 3/6, 2/6, 1/6 ये बोला गया।
और हमें ये बोलता है सी रिटायर्स, हमें ये बोलता है सी रिटायर्स, सी ने रिटायरमेंट लिया, सी रिटायर्स, सी ने रिटायरमेंट लिया एंड ही शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन 2:1, उसका शेयर ए और बी ने ले लिया 2:1 में, ही शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन 2:1, उसका शेयर ए और बी ने ले लिया 2:1 में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसा डील करेंगे, सुनो, सी ने रिटायरमेंट ले लिया, उसका शेयर ए और बी ने गेन किया है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो गेनिंग वैल्यू, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करो गेनिंग वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग वैल्यू? ए का गेनिंग वैल्यू और बी का गेनिंग वैल्यू। बेटे ए का जो गेनिंग वैल्यू है कैसे निकालोगे, सुनो, यहां बात क्या है कि सी का शेयर था 1/6, सी के शेयर को 2:1 में ए और बी ने टेक ओवर किया है, मतलब सी के शेयर का इंटू 2/3 ए ने गेन कर लिया और इंटू 1/3 बी ने गेन कर लिया, मतलब इसका ए का न्यू शेयर आ गया 2/18 और बी का न्यू शेयर आ गया 1/18, ये ए और बी के न्यू शेयर आ गए। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? अब ये हमारे पास आ गई गेनिंग वैल्यूज, इसी से गेनिंग रेशियो निकलेगा 2:1, वो ऊपर दिया भी है। और अगर मैं बोलूं कि भाई इसी क्वेश्चन में आपको बताना है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या होगा? ए और बी, अब ए का ओल्ड है 3/6, बी का ओल्ड है 2/6, प्लस ए ने गेन कितना किया 2/18 और बी ने गेन कितना किया 1/18, ये इनके शेयर आ गए। अब ये एलसीएम लोगे 18 तो ये आएगा 9+2, आप निकालोगे 11/18 और ये आएगा 18, 6+1 ये आएगा 7/18, तो ये वैल्यू है 11:7, 11:7 ये आएगा बेटे इनका न्यू रेशो, 11:7 ये आएगा आपका न्यू रेशो, 11:7 ये आपका आएगा न्यू रेशो। तो एबीसी हमारे पास तीन पार्टनर हैं, एक ने रिटायरमेंट ले लिया, उसके रिटायरमेंट के बाद उसका शेयर किसने टेक ओवर कर लिया? ए और बी ने। आफ्टर दैट ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा वो मैंने बताया, पहले केस में रेशियो गिवन नहीं था, दूसरे केस में मैंने बताया ए और बी इक्वल टेक ओवर कर रहे हैं, थर्ड केस में मैंने बताया ए और बी एक स्पेसिफाइड रेशियो में गेन कर रहे हैं। बेटे अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कह दूं, आपके साथ एक केस में और बनाकर चल रहा हूं, लिखो केस नंबर 4, मान लेते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर हैं 3:2:1 में, सी ने रिटायरमेंट लिया, सी रिटायर्स, और सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी का न्यू रेशियो 5:3 होगा, ऐसा लिखा है हमने, ऐसा लिखा है हमने कि सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी का रेशियो 5:3 होगा, ऐसा लिखा है हमने, तो भाई मतलब ये हो गया इनका न्यू रेशियो, ये था इनका ओल्ड रेशियो। अगर आपको निकालना हो इस केस में गेनिंग, यहां ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, आपको यहां कैलकुलेट करना हो गेनिंग, तो गेनिंग कैलकुलेट ऐसे होगा, ए का है 5/8, बी का है 3/8, ये हो गए इनके न्यू, माइनस कर दो इसमें से ओल्ड, ए का है 3/6 और बी का है 2/6, ये ओल्ड वाले माइनस कर दो। आप ऐसा करेंगे अगर एलसीएम आप 24 ले सकते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 15-12, ये आ जाएगा 3/24,
और अगर इसका एलसीएम लेंगे 24, तो ये आएगा 9 माइनस 8, ये आएगा 1/24, इसका गेन आ गया 3/24 और इसका गेन आ गया 1/24। प्रैक्टिकली देखें तो 3:1 ये बनेगा भाई इनका गेनिंग रेशो। आप सब लोग मेरे को ये बताओ, रेशो के ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? आप सब लोग मेरे को ये बताओ, रेशो के जो मैंने केस करवा दिए इनको लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या? रेशो को लेकर मेरी बुक में जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसके रेशो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतने काम से कर सकते हो। अब मैंने जो आपको स्टेप्स बताए उनमें सबसे पहला स्टेप था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर या फाइंड आउट द न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, वो मैंने आपको कुछ केसेस बता दिए, इनके बिहाफ पर आप थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। सही बात है ना, जो मटेरियल मैंने आपको दिया या जो स्टडी मटेरियल आपका है उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर टू आप मेरे साथ नोट करो, नंबर टू स्टेप आप मेरे साथ नोट करो, लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये हमें समझकर चलना है, गुडविल को लेकर के क्या ट्रीटमेंट होगा ये हमें देखना है बेटे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि गुडविल वो वैल्यू है जो ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ऑनेस्टी से बनाई। ओल्ड का मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। अब मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि भाई एबीसी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशो है 3:2:1, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, तीन पार्टनर हैं जिनका रेशो है 3:2:1 और इनमें से अगर मैं ये कह दूं कि सी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और सी के रिटायरमेंट पर हमने गुडविल का वैल्यू निकाला, तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा कैलकुलेट होकर आता है 60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी। हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, गुडविल की वैल्यू निकल कर आती है 60,000। तो भाई सी जो रिटायरमेंट लेगा वो क्या बोलेगा कि भाई गुडविल को सेल कर दो, सेल करके जो अमाउंट आएगा वो तीनों में डिवाइड कर लो। तो मेरा कंसर्न क्या है कि क्या ए और बी गुडविल सेल करेंगे और सी को उसका शेयर देंगे, या तो ये हो सकता है कि ए और बी जब सी का शेयर गेन कर रहे हैं तो जो गेन करने वाले पार्टनर हैं सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को गुडविल का शेयर पे कर देंगे, हमने ऐसा प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। तो भाई गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लिखिएगा अकाउंटिंग एंट्री। देखो सीधी सी बात है कि सी को उसका शेयर देना है, अकाउंटिंग एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर गुडविल। गुडविल को लेकर आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, गुडविल को लेकर आपका क्या ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल को लेकर आपका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो मैं आपको बता दूं गुडविल को लेकर ट्रीटमेंट ये रहेगा, एंट्री बनाएंगे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
एंट्री बना देंगे बेटे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं ये भी बता दूं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग जो बनेगा ये गेनिंग रेशियो में एंट्री बनेगी बेटा। जो पार्टनर जिस रेशियो में गेन करेंगे, गेन करने वाले पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को शेयर पे करने वाले हैं। आपको अगर मैं बता दूं, इसकी एक एंट्री ये भी बन सकती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री ये भी बन सकती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन करेगा उसको आप कर लो डेबिट, और जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा उसको आप कर दो क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। या एंट्री बन सकती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यह वाली एंट्री भी बन सकती है, मतलब एक पार्टनर के रिटायरमेंट पर अगर मैं इसी एग्जांपल को बेस बना लूं कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सी ने रिटायरमेंट लिया तो गुडविल की वैल्यू में सी का शेयर कितना बनता है 1/6 यानी कि 10,000। रेशो के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो मैं ये अंडरस्टूड मान लूंगा कि ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वही गेनिंग है। अगर ये वाला केस मैं लगा दूं तो इस केस के अकॉर्डिंग यहां एंट्री क्या बनेगी, सी को रिटायरमेंट के टाइम पर जो 10,000 देने हैं कौन देगा, ए और बी, क्योंकि ए और बी गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बनी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बनेगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ए और बी ने सी को ये जो अमाउंट दिया 10,000 अपने गेनिंग रेशियो जो कि 3:2 है उसमें अगर देंगे तो ये आएगा 6,000 और ये आएगा बेटे 4,000। एंट्री बना देंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना क्लियर है क्या? सही बात है ना, रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में गेन करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को उसी रेशियो में वो अपना शेयर जो है गुडविल में पे कर देंगे। अब इसके अलावा गुडविल को लेकर और क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? एक ट्रीटमेंट और मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले चैप्टर में भी बताया था, क्या कि भाई इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, अगर अमाउंट ऑफ गुडविल आपका ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है तो बेटे उसको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होता है। मैंने बताया था पहले कंसेप्ट होता था गुडविल को आप बुक्स में रेज कर सकते थे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ और यह बोला गया कि अगर एक गुडविल इंटेंजिबल एसेट है और अगर वो परचेज्ड नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है, आप उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। अगर आपने उसको शो कर रखा है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ओल्ड पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड होगा। एंट्री बना देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में आप गुडविल का जो अमाउंट है इसे करेंगे राइट ऑफ। एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में गुडविल का जो अमाउंट है
बेटे उसे हमें करना होगा राइट ऑफ। एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री हम लोग बनाकर चलेंगे। अब सब लोग मेरे को ये बता दो, इतना क्लियर है क्या? गुडविल को लेकर केवल दो एंट्री बन सकती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक पार्टनर जब रिटायरमेंट लेगा उसका शेयर हमें पे करना होगा, और अगर गुडविल पहले से अपीयर है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। अब देखो मेरी बात को समझना बेटे, मैंने आप लोगों के साथ ये टॉपिक स्टार्ट किया है अभी, मैंने आप लोगों को बताया, स्क्रीन पर देखो आप जरा एक बार, मैंने आपको बताया कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पर क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको स्टेप नोट करवाए, सबसे पहला स्टेप था फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब इस स्टेप को लेकर जितने केस बन सकते हैं उनको मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया। मैंने आपको स्टेप नंबर टू बताया अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटे अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रीवियस चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ लो, वहां मैंने अकाउंटिंग वैल्यूएशन करवा रखा है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैंने आपको बताया। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फोर्थ नंबर पर रिजर्व्स, फिफ्थ नंबर पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और सिक्स नंबर पर इन सबको असेंबल करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये सारे स्टेप्स हैं मेरे। अब मैंने आज की क्लास में बेटे आप लोगों को स्टेप वन और स्टेप टू करवा दिए, अब मैं कल की क्लास में ये बचे हुए स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, इन सबको तो कंप्लीट करवाऊंगा, प्लस इन सबको असेंबल कैसे करना है और इन सबको असेंबल करके आपके क्वेश्चन में क्या क्या बनेगा वो सारी बातें मैं कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें अगली क्लास में, फिर से मैं अगली क्लास में आपको बताने वाला हूं कि क्या होंगे इनके रिवैल्यूएशन को लेकर पॉइंट, रिजर्व एक्युमुलेटेड को लेकर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहें मेरे साथ अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना है, इसके बिहाफ पर आप प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।